हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए मसाला डोसा बड़ा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस फेस्टिव सीजन में से बहुत बनाइए, बहुत ही टेस्टी डिश है फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप चावल लिए थे और 1/2 कप से भी थोड़े कम मैंने 1/4 कप इसमें मैंने उड़द का दाल लिया था और दोनों को मैंने अच्छी तरह से धो करके सोक कर दिया था। सोक करने के लिए मैंने 4 से 5 घंटा रखा था और उसके रखने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने देखिए बस 1 से 1.5 चम्मच पानी मिलाया है और इसका हमें बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। और लेकिन ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, इसका बैटर गाढ़ा ही रहेगा। इसी तरह से करके मैं सभी अपने चावल और दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया था। देखिए एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बने हैं और इसे मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं इसे ढक करके फर्मेंट होने के लिए मिनिमम 5 से 6 घंटा छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात में ही बैटर को तैयार कर लीजिए और इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए। उससे ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं दोस्तों। और फर्मेंट करने के बाद फिर मैं आगे की तैयारी करके आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और फेंटने के बाद नमक बिल्कुल नहीं मिलाइएगा, नमक बनाते समय मिलाएंगे। और अब मैंने इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है दोस्तों। इसे देखिए ढक दिया और ढक करके मैं रख दूंगी फ्रेंड्स। और अब देखिए मैंने इसके सब्जी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक वॉक लिया है। वॉक में मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाला। जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है और मैंने हींग डाल दिया है फ्रेंड्स। और हींग डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से क्रैकल करने लगे तब मैं अपने बाकी की चीज़ें को डालूंगी। इसमें आप अगर चाहें तो बॉयल आलू के साथ बना सकते हैं, लेकिन मेरे आलू चूंकि कच्चे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे सेम बना लेती हूँ। और आलू डालने के साथ ही मैंने इसमें करी लीव्स डाल दिए हैं और साथ में ही मैंने 2 ग्रीन चिली डाल दिया है और 1 पिंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके मैं डाल दूँगी। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। गार्लिक की इसमें आवश्यकता नहीं है, लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसे मैं ढक दूंगी। मैंने 1 टमाटर डाला है, आप चाहे तो छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मुंह में इसके स्किन और सीड स्किन आते हैं इसलिए मैंने होल डाला है, जिसमें कि जब ये पकेंगे तो मैं इनके स्किन निकाल दूंगी। साथ में मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालने के साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाला है और थोड़ा सा मैं जीरा और धनिया का पाउडर डाल दूंगी दोस्तों। और उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी अच्छी तरह से मिला के। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और देखिए अब मेरे आलू बिल्कुल पक गए हैं। अब मैं इसे अपने पलटे के मदद से ही अच्छी तरह से आलू को धीरे धीरे मैश कर लूँगी और धनिया पत्ता मैं डाल दूँगी। साथ में इसका पानी पूरी तरह मैं सुखा दूँगी। बस आलू अभी थोड़े से कसर है, जब तक आलू पूरे पकेंगे मेरी पानी पूरी इवेपोरेट हो जाएगी, पूरी पानी सूख जाएगी, तो मैं इसकी सूखी भाजी बना के उतार लूँगी फ्रेंड। और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने बैटर लिया है, मेरे बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो गए थे। मैंने इसे एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है, जितनी आवश्यकता हो आप उसी हिसाब से निकालिए। और देखिए मेरे आलू इधर एकदम सूख गए हैं, मैंने उन्हें अच्छी तरह से सुखा के एकदम भुना हुआ कर दिया था। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। आलू में पानी नहीं होना चाहिए, भुनने के बाद इसे सुखाने के बाद अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, नहीं तो ये गीले रहेंगे तो अच्छी तरह से नहीं होंगे बॉल। और अब मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं दोस्तों। गोल गोल बॉल्स बना के रख लीजिए। इसी तरह से बॉल्स बना लेना है दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी डिश है। बनाने में तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता, बस इसकी तैयारी में जो लगता है। और आप एक बार तैयारी कर लीजिए, इसी बैटर से मैं आपको और भी चीज़ें बनाना बतलाऊंगी फ्रेंड्स। एक बार बैटर बना लेने के बाद आप 3-4 डिश आराम से बना सकते हैं दोस्तों। और अब देखिए मैंने 4 बॉल्स बना लिए हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम बना लीजिएगा। और अब मैंने इधर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए क्योंकि ऑयल ठंडी होगी तो हमने जो बड़े मसाला डोसा बड़ा तलना है वो ठीक से
बनेगा नहीं और तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रेंड्स। जब मेरे तेल अच्छी तरह से पूरी तरह से गर्म हो गए थे तो मैंने बैटर जिसमें नमक डाल के रखा था फेंट के, उसमें मैंने अपने बॉल को डिप कर दिया है और डिप करने के बाद मैं इसे तेल में डालती जाऊँगी और देखिए कितने अच्छे बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। ये डोसा और बड़ा दोनों का स्वाद इसमें आता है। अंदर में हमने चटपटे आलू मसालेदार डाले हैं और ऊपर से एकदम कुरकुरी डोसा वाली फ्लेवर आती है फ्रेंड्स। इसे सांभर के साथ मैंने सर्व किया था, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसे पूरी तरह करारा होने तक दोनों तरफ से तल लीजिएगा। तलने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए मैंने अब अपने अंतिम वाले बोल को भी डाल दिया दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बने थे फ्रेंड्स। इसे ज़रूर बनाइएगा, एकदम न्यू रेसिपी है और इस फेस्टिव सीजन में तो इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर वालों के लिए दोस्तों। सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट है, शाम के टी के लिए भी, शाम में चाय के साथ इसे खाइए, सुबह आप इसे सांभर के साथ दीजिए। देखिए मेरे गर्मा गर्म सांभर भी तैयार हैं दोस्तों। सांभर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बहुत बार दी है, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। और देखिए गर्मा गर्म सांभर के साथ इन बड़ों का सुबह के नाश्ते में बस मज़ा जाता है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर बनाइए दोस्तों और मुझे अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और देखिए कितने टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को देखने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।